प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी आवाड़ा 24 घंटा रे दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक भागा माए भारी बिरखा होबारी संभावना। राजधानी जयपुर माए बिरखा रे चालता जिला कलेक्टर आज स्कूल माए छुट्टी करी घोषित। सगड़ा राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय माए रेवेलो अवकाश। नीट मामला ने लेर सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमेटी रा संबंध माए दीना आदेश। कया प्रश्न पत्र रा प्रिंट होबा सु लेर परीक्षा केंद्र ताई पूंगबारी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री अध्यक्षता माए आज सु नवी दिल्ली माए राज्यपालों रो दो दिवसीय सम्मेलन वेलो आयोजित। नया आपराधिक कानून आदिवासी क्षेत्र माए विकास समेत कई मुद्दा माथे वेली चर्चा। अरे विधानसभा माए विधायक विशेष योग जनारी पेंशन और स्कूटी वितरण योजना ने लेर सरकार सु मांग्यो जवाब। मंत्री अविनाश गहलोत कया आवेदन पछे जरूरी जांच कर दियो जावे है योजना वालो लाभ। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा अरे अब खबरां विगतवार। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। लारला 24 घंटा रे दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा अधिकतर हिस्सा माए तेज बिरखा हुई। इन दौरान बीकानेर रा खाजूवाड़ा माए सबसू बत्ती 195 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि एक कम दबाव रो खेतर बणबासू आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा माए भारी बिरखा होबारी संभावना है। वे बताया कि आबाड़ी 4 और 5 अगस्त ने कम दबाव रा प्रभाव सू सर्वाधिक असर देखवार ने मिललो। इन दौरान उदयपुर जयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे अति बिरखा होबारी संभावना है। पिछले दो दिनों से जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर सिस्टम बना हुआ था आज ये साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा है। इस सिस्टम के असर से अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान खासकर अजमेर नागौर जोधपुर पाली इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने के लिए प्रबल संभावना है। इसके अलावा यदि देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम आज झारखंड के ऊपर बन गया है और ये अगले 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिमी यानी पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। यह सिस्टम अगले दो दिनों के दौरान मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ 3-4 अगस्त को पहुंचने की संभावना है। इस नए सिस्टम के असर से 3 अगस्त को ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मानसून सक्रिय होगा यानी कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 4 और 5 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में रहेगा। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश तो एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी 4 अगस्त को रिपोर्ट हो सकती है यानी यहाँ पे कहीं कहीं 200 एमएम से ज्यादा रेनफॉल हो सकती। टोंक जिला रा निवाई पीपलू और मालपुरा माए बिरखा पछे इन खेतरा रा नदी नाला उफान माथे है। वठई तालाबा और बांधा माए पानी री आवक जारी है। पीपलू रो जिला मुख्यालय समेत दूजा कस्बा सु संपर्क टूट चुको है। पीपलों सु बगड़ी रोड माथे मासी नदी आपरा उफान माथे है। वठई प्रशासन लोगा ने पानी उफान माथे होबारी स्थिति माए पुल ने पार नी करबारी सलाह दीनी है। झालावाड़ जिला रा गांगरोन किलारे कने चंगेरी पुलिया माथे पानी रा तेज बहाव रे कारण बाइक सवार दो पुरुष और एक महिला समेत 3 लोग कालीसिंध नदी माए बह गया। मंडावा थाना पुलिस और SDRF री टीम कानीसु रेस्क्यू ऑपरेशन चलायो जा रियो है। हालांकि लापता लोगारो अबार ताई पतो नी चल्यो है। चश्मदीद लोगारो कहनो है कि बाइक सवार पुड़िया ने पार करबारी कोशिश कर रिया हा। इन बीच तेज बहाव रे चालता संतुलन बिगड़वासु लोग नदी माए बह गया। राजधानी जयपुर माए बिरखा रे चालता प्रशासन आज स्कूलारी छुट्टी कर दियो है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित आदेश जारी कर जयपुर रा सगड़ा राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय माए कक्षा 112 ताईरा विद्यालय रो अवकाश घोषित कराया है। नीट मामला माए सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमेटी रा संबंध माए आदेश दीनो। कोर्ट कयो के प्रश्न पत्र रा प्रिंट होबासु लेर
परीक्षा केन्द्र तई पूंगवारी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कमिटी ने एसओपी ने लेर एक रिपोर्ट तैयार करवारो भी निर्देश दीना। इन खातर आबाड़ी 30 सितंबर 2024 तई कमिटी ने रिपोर्ट तैयार करवारा निर्देश भी दीना है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक की जो गड़बड़ी है उसे रोकने के लिए एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए। दरअसल केंद्र सरकार ने हलफनामे में कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा रही है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई, सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही गड़बड़ी सीमित थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली राज्यपाल की 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन में सभी राज्यारा राज्यपाल भाग लेला। एंडा साथ ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री समेत कई अन्य मंत्री और मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है वाला। सम्मेलन में आया आपराधिक कानून, आदिवासी क्षेत्र विकास सहित कई मुद्दा पर चर्चा होवेली। विधानसभा में आज विधायक न्यारा न्यारा मुद्दा ने लेर सरकार से जवाब मांगो। विशेष योग जनारी पेंशन और स्कूटी वितरण योजना ने लेर सरकार से जवाब मांगो गयो। इन माथे ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहा कि पोर्टल माथे आवेदन करवा पछे जरूरी जांच करर योजना वालों लाभ दियो जावे है। वठे ही पूरक प्रश्न माथे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली स्कूटी वितरण री संख्यावा और विशेष योग जना ने अतिरिक्त सहायता माथे जवाब मांगा। दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, क्या माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहूँगा बाकी वंचित लोगों को आप पेंशन देने का विचार रखते हैं पोर्टल खोल के? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? हमारे पोर्टल पर विभाग के पास में जो भी इन दिव्यांगों के पेंशन के लिए एप्लीकेशन आती है उनको हम लोग एक कमेटी बनी, कमेटी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन बाद विभाग के पास आता है और उसके बाद में तुरंत ही हम लोग दिव्यांगों के पेंशन को भुगतान कर देते हैं। और सेंस लंबित हैं, लंबित में जांच चल रही है, जांच के बाद में इसकी नियमित प्रक्रिया रेगुलर प्रोसेस है, उसके बाद में ये जो सेंस है उसका भी भुगतान हो जाएगा। आपने मुख्यमंत्री योगजन स्वरोजगार योजना की में लाभान्वित संख्या मात्र 5 दी है, सुखद दाम्पत्य जीवन में मात्र संख्या 4 दी है, संयुक्त सहायता योजना में 171 दी है, विशेष योगजन स्कूटी में 172 दी है, काफ़ी लोग इससे वंचित हैं। क्या आप स्कूटी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन में 4 या 5 संख्या दे रही इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ाने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूँ, अभी 10 जुलाई 2024 को हमारे हाल ही के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के समय 2019-20 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ, 2021 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ, उसके बाद के 3 सालों में 1985 पहले साल आवंटित हुई, उसके बाद में कुछ स्कूटी हुई, हमने पहले साल में, अभी हमारा पहला बजट है, 2000 स्कूटी का वितरण करने का निर्णय लिया है। विशेष योगजन स्कूटी योजना में लाभान्वितों की संख्या है 172 और खंड 3 में आपने बताया है कि 261 स्कूटी वितरण की है, तो इन दोनों में अंतर क्या है ये एक बार बताएं। और खंड 4 में आपने कहा है कि दिव्यांगजनों को जो हम पेंशन दे रहे हैं वो 1150 और 1250 है, लेकिन सरकार जो विशेष असहाय दिव्यांगजन है उनको 1000 रुपये अलग से भी देती है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो 40% के करीब है अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कैटेगरी बनी हुई, जिसमें 40% से ऊपर अगर डिसेबल होता है उसको राज्य सरकार की तरफ से, 80% से ऊपर होता है उसको सुविधाएं जो है अलग अलग कैटेगरी मिलती है। 1000 रुपये की जो मैंने बताया 100% जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको अलग से सहायता, जैसे 1250 प्लस 1000 2250 रुपये की जो पेंशन राशि है प्रतिमाह सरकार की तरफ से मिलती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा में कहा कि सदन पक्ष और विपक्ष रा सदस्य रा सहयोग से चल रही है, सदन री बैठक ने व्यवस्था से चलावा में सगड़ा सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है। इन खातर सदस्य ने आसन कानी से दी जावा हाली व्यवस्था वालों अक्षरशः पालन करना वेलो। विधानसभा अध्यक्ष कहा कि सदस्य ने सदन में
बोलवा खातर विषय वस्तु माथे अध्ययन करनो चाहिए। वे कहा कि सदन जनता की समस्याओं ने उठावर सशक्त मंच है, यदि बहस सार्थक वैली तो ऊंडो लाभ भी जनता ने जरूर मिलेलो। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इंड साथ ही खेमकरण और गोकुला जाटरा पेनोरमा बनावा खातर कई ठोरारो निरीक्षण भी कर। इन मौके ओंकार सिंह लखावत कहा कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा और विकास करवा खातर बजट में प्रावधान करो गयो है। हमारा यहाँ प्रवास है, उस प्रवास के पीछे हेतु ये कि भारत सरकार का जो बजट आया है उस बजट का कौन कौन से वर्ग उससे प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन लाभान्वित होने वाले हैं और समाज के किस वर्ग तक उसको छुआ गया है, ये सारा विषय हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम करे और उसका ठीक प्रकार से क्रियान्विति हो, उसका उपयोग हो पूरे बजट का। भारत सरकार का बजट गांव और गरीब के कल्याण के लिए है, गरीब की भूख मिटाने के लिए अन्य योजना से उसको एक प्रमुख स्थान इसमें दिया है, महिला विकास। वर्ष 2024-25 रा केंद्रीय बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग माथे खास ध्यान दियो गयो है। बजट में रोजगार और प्रशिक्षण खातर 3 योजनावारी घोषणा भी करी गई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। 3.0 सरकार के पहले बजट में मुख्य फोकस 4 श्रेणियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर रहा। इन 4 श्रेणियों के माध्यम से सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे। बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी पर सब्सिडी देने से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान शामिल है। बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। ये रकम सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगी। आइए समझते हैं कि ये योजना कैसे लागू की जाएगी। सब्सिडी के रूप में 1 महीने की मजदूरी, वेतन अधिकतम 15,000। योजना सभी क्षेत्र में होगी लागू। सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वाले को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए है। प्रतिमाह 1,00,000 रुपए से कम मजदूरी वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए योजना है। सब्सिडी का भुगतान 3 किस्त में किया जाएगा। कर्मचारी को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना होगा। अगर पहली बार रोजगार पाने की नौकरी 12 महीने के भीतर खत्म हो जाती है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी। योजना से प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। अरे अब बुलेटिन री खास खबर एक बार फिर। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक भागा माए भारी बिरखा होबारी संभावना। राजधानी जयपुर में बिरखा रे चालता जिला कलेक्टर आज स्कूल माए छुट्टी करी घोषित। सगड़ा राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय माए रेवलो अवकाश। नीट मामला ने लेर सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमेटी रा संबंध में दीना आदेश। कया प्रश्न पत्र रा प्रिंट होबासू लेर परीक्षा केंद्र ताई पूंगबारी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री अध्यक्षता में आसू नवी दिल्ली में राज्यपाल रो 2 दिवसीय सम्मेलन वेलो आयोजित। नया आपराधिक कानून, आदिवासी क्षेत्र में विकास समेत कई मुद्दा माथे वेली चर्चा। अरे विधानसभा में विधायक विशेष योजनारी पेंशन और स्कूटी वितरण योजना ने लेर सरकार से मांगो जवाब। मंत्री अविनाश गहलोत कया आवेदन पाछे जरूर जांच कर दियो जावे है योजना वालों लाभ। इंडेस आगे राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरा हो सा। नमस्कार।